शिंदेगुट सेना शहर के प्रमुख महेश गायकवाड़ को धमकी देने वाला आरोपी शराबी निकल गया। उसने नशे में फेसबुक पर धमकी दिया था। कल्याण की कुलसेवाड़ी पुलिस ने दीपक भीलचंद नामक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही दीपक भीमचंद नामक एक शख्स ने फेसबुक अकाउंट के जरिए कल्याणपुर शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को गोली मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद कल्याणपुर में खलबली मच गया था। हिरासत में लेने के बाद कुलसेवाड़ी थाना के इंचार्ज अशोक कदम ने बताया कि आरोपी व्यक्तिगत तनाव के कारण दारू के नशे में धमकी भरा मैसेज पोस्ट कर दिया था। वह महेश गायकवाड़ को जानता तक नहीं है और न ही उसने कभी मिला है। थाना इंचार्ज कदम ने बताया कि पहले जो घटना हुई थी उसे वह टीवी पर देखा था, इसलिए उसने दारू के नशे में धमकी भरा मैसेज पोस्ट कर दिया था। फिलहाल इस मामले में कुलसेवाड़ी पुलिस दीपक भीमचंद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दीपक भीमचंद कदम नाम का इस व्यक्ति है जिनको हमने इस इन्वेस्टिगेशन में बुलाया था, तो उसके पास से पता चला है कि वो हर दिन दारू पीता है और उसके नशे के चक्कर में उसने ये ऐसी बातें की है। फेसबुक पे वो महेश गायकवाड़ का कॉमन फ्रेंड है और उस मैसेंजर के ऊपर उसने ये सारी बातें लिखी थी। वैसा उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिखता है, फ्रस्ट्रेशन में किया गया हुआ और दारू के नशे में किया गया फिलहाल तो दिखता है।